फोटोनिक पीएन जंक्शन डिवाइसेस या ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये ऑप्टो फोटो ये सब लाइट रिलेटेड है। तो ये वो डायोड्स हैं जिसमें लाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होगी या इलेक्ट्रिसिटी लाइट में कन्वर्ट होगी। तो टाइप ऑफ डायोड्स में हमने कौन से, एक तो सिंपल डायोड किया, एक जीनर डायोड किया, जो नेक्स्ट टाइप का डायोड है जिसका नाम क्या है, फोटो डायोड। रूल नंबर वन, फोटो डायोड क्या है, फोटो डायोड पे आप एक डायोड लो, आप फोटोन गेरो यानी कि लाइट गेरो, वो लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा, ये फोटो डायोड है। तो लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा, कैसे करेगा, वो ऐसे करेगा, आपके पास एक डायोड पड़ा हुआ है, जंक्शन पे फोटोन गिरेंगे, जंक्शन पे फोटोन गिरेंगे तो वहां पर सिलिकॉन के बॉन्ड टूट जाएंगे, इलेक्ट्रॉन होल रिलीज होंगे, इलेक्ट्रॉन होल रिलीज होंगे तो वो मूव करेंगे जंक्शन के क्रॉस, फॉरवर्ड बाइसिंग में या रिवर्स बाइसिंग में, तो करंट अपने आप एक्स्ट्रा हो जाएगा, फोटोन गिर के इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड। तो ये बेसिकली इसका काम है। दो बातें इंपॉर्टेंट, पहली इट वर्क्स इन रिवर्स बाइसिंग, ये रिवर्स बाइसिंग में काम करता है या करवाया जाता है। रीजन, फोटो डायोड में, फोटो डायोड की मान लो रिवर्स बाइसिंग हुई हुई थी, इसने करंट को ब्लॉक किया हुआ था, इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन जा रहे थे सिर्फ, ना मात्र करंट था, आपने फोटोन घेर दिए, मान लो 8-10 इलेक्ट्रॉन निकल आए, करंट बढ़ गया, ठीक है, जंक्शन क्रॉस करंट बढ़ गया, फोटोन ने बॉन्ड तोड़े, इलेक्ट्रॉन होल रिलीज हुए, तो करंट बढ़ गया। सेम काम, तो करंट को डिटेक्ट करना रिवर्स बाइसिंग में बड़ा आसान है, क्योंकि ना के बराबर करंट था और एकदम करंट बढ़ गया, हमें दिख गया करंट बढ़ गया। अगर वो फॉरवर्ड बाइसिंग में होता तो करंट तो पहले ही बढ़ा हुआ था, पहले बहुत करंट है, लाखों इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, तुम्हारे 5-6 इलेक्ट्रॉन और दौड़ गए, पता भी नहीं लगेगा करंट बढ़ा कि नहीं बढ़ा। इसलिए इसको किस में यूज किया जाता है, इन रिवर्स बाइसिंग, क्योंकि माइनॉरिटी करंट में चेंज जल्दी डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है यहां तक। और इसके अंदर जब ये रिवर्स बाइसिंग में काम करता है तो उसमें इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी करंट उसमें दौड़ रहा होता है, उस माइनॉरिटी करंट को डार्क करंट बोलते हैं। ये मेंस या नीट का क्वेश्चन आया हुआ है, फोटो डायोड में रिवर्स करंट को क्या बोलते हैं, डार्क करंट बोलते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें, वर्किंग तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये करेक्टरिस्टिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, ग्राफ ग्राफ बहुत आते हैं नीट और मेंस में, क्या कि फोटो डायोड की करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करो, करंट और वोल्टेज करेक्टरिस्टिक्स, आपने रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में ही ड्रॉ करनी है, क्योंकि रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स है ना, तो थर्ड में, सॉरी, जब दोनों नेगेटिव है, तो इसमें इंटेंसिटी की वैल्यू इसमें ज्यादा है, तो इसमें मतलब जो फोटॉन्स की इंटेंसिटी ज्यादा है तो करंट भी या वोल्टेज की वैल्यू भी ज्यादा है, सैचुरेशन करंट तो आ ही जाएगा इसमें। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटीज पे डिफरेंट डिफरेंट करंट ड्रॉ किए हुए हैं, करेक्टरिस्टिक वही है, रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स है, एक ग्राफ देखेंगे तो रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स ही है सबकी, तो ग्राफ मार्क एज इट इज आएगा, स्टैंडर्ड ग्राफ है, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट है, लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी बोलते हैं, जो आप लगाते हो नीली वो दिवाली के ऊपर एलईडीज, तो एलईडीज हैं, तो एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड्स हैं, बिजली लेती हैं और रंग बिरंगी लाइटें फेंकती हैं, बाहर लाइट आती है। लॉजिक, फिर से डायोड लो, करंट पास करो, बाइसिंग करो, बाइसिंग फॉरवर्ड बाइसिंग करो, ये फॉरवर्ड बाइसिंग में काम करती है, रिवर्स में नहीं करती, लाखों इलेक्ट्रॉन और होल मूव करेंगे जंक्शन में आप, क्योंकि बैटरी फॉरवर्ड बाइसिंग में करवाएगी, जैसी वो इलेक्ट्रॉन होल को मिलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी लाइट की फॉर्म में बाहर आ जाएगी, तो लाइट बाहर आनी स्टार्ट हो जाएगी, ये एलईडी का प्रिंसिपल। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में इलेक्ट्रॉन होल को मिलेगा और लाइट एमिट हो जाएगी, ठीक है यहां तक। तो ये एलईडी है, एलईडी के अंदर वो कह रहा है जो बैंड गैप है, जो एटम यूज करना है आपने, उसका बैंड गैप यानी कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने का डिफरेंस, बैंड गैप या इलेक्ट्रॉन को, एटम को, एटम से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने का एनर्जी होनी चाहिए 1.8 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रीजन, क्योंकि जब इतनी एनर्जी जब किसी एटम की होती है बैंड गैप की, तो जब ऐसा एटम एनर्जी रिलीज करता है तो विजिबल लाइट को मैच करती है वो। आप और कोई यूज करते हो सिलिकॉन, सिलिकॉन की तो 0.6 ही है सिर्फ, जबकि जल्दी फटाफट बॉन्ड टूटेंगे इसके, पर ये जो एनर्जी रिलीज करता है ये विजिबल को मैच नहीं करती, हम इसको देख नहीं पाएंगे लाइट को, तो ये इसका बैंड गैप होना जरूरी है, ठीक, बस ये पता होना चाहिए। और इसमें है ना, वो कह रहा है कि एक कंपाउंड बन जाती है, आर्सेनाइड फॉस्फाइड यूज कर लो अलग अलग अमाउंट में, तो रेड कलर की, ग्रीन कलर की यूज बन सकती हैं, जरूरत नहीं है इसको करने की। इसके अंदर बस एक करेक्टरिस्टिक्स याद करो, ये आती हैं करेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलईडीज, तो ये आपको पैटर्न याद करना है, इसकी फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स है,
आ जाती हैं एज इट इज, आई हुई हैं एक एक बार, ठीक है। और लास्ट है सोलर सेल, सोलर पैनल, सोलर सेल आप लगाते ही हो। सोलर सेल तो बहुत बड़ा होता है, सोलर पैनल तो बहुत बड़ा होता है, सोलर सेल है उसमें से छोटा सा पार्ट है। कुछ नहीं करना, एक एन टाइप लेना है और एक पी टाइप लेना है। जंक्शन ले लिया, एन टाइप की परत लेयर बहुत छोटी लेनी है, बहुत पतली लेनी है, पी टाइप मोटा लेना है। इसलिए पतली लेनी है ताकि जो धूप है, जो लाइट है, फोटोन्स हैं, वो एन टाइप को पेनिट्रेट करते हुए जंक्शन में घुस जाए। तो यहाँ घुस गई, फोटोन्स गिरे, इलेक्ट्रॉन होल रिलीज हुए एनर्जी लेके। इसके ऊपर, इसके ऊपर ये मेटल का एक फिंगर रखी हुई है, मेटल का ये स्ट्रिप रखी हुई है। होता क्या है, पूरा दिन धूप पड़ती रहती है, फोटोन गिरते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज होते रहते हैं, होल रिलीज होते रहते हैं, होल यहाँ क्रिएट होते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल निकल के इस ब्लू कलर के कंडक्टर के ऊपर चढ़ते जाते हैं। कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रॉन चढ़ जाएंगे, पूरा दिन इकट्ठे होते रहते हैं, हर वक्त इकट्ठे होते रहते हैं, क्योंकि धूप तो गिरती जा रही है, फोटोन्स गिरते जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन निकल निकल के इस कंडक्टर के ऊपर इकट्ठी होगी। नीचे पॉजिटिव होल्स क्रिएट करती जा रही है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया पूरा दिन। आप इसमें बल्ब लगाओगे या इसका सर्किट कंप्लीट करोगे तो करंट दौड़ेगा इसमें से, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो आप इसमें से लाइट बाहर निकाल लो, लाइट जलाओ, पंखा जलाओ, जो मर्जी करो, तो धूप गिरती रहती है, इलेक्ट्रॉन ऊपर चढ़ते रहते हैं और घूम के वापस नीचे से एंटर करते रहते हैं, तो करंट जनरेशन होता रहता है। ये तो एक है, ऐसे लाखों सोलर सेल लगाए जाते हैं, उसको सोलर पैनल बोलते हैं, पूरा दिन यही होता रहता है। क्लियर है यहाँ तक प्रिंसिपल? क्लियर है सोलर सेल का, सोलर पैनल का?